1980 में रिलीज हुई फिल्म कर्ज ऋषि कपूर की सुपरहिट फिल्मों में शुमार की जाती है। कर्ज को रिलीज हुए 40 साल पूरे हो चुके हैं। फिल्म की स्टार कास्ट काफी लंबी थी। चलिए 40 साल बाद जानते हैं कहाँ है कर्ज फिल्म के अहम सितारे। किरण यानी रवि वर्मा। 5 फरवरी 1949 को मुंबई में जन्मे राज किरण ने कर्ज फिल्म में रवि वर्मा का किरदार निभाया था। उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में काम किया। टीवी पर आखिरी बार वह शेखर सुमन के सीरियल रिपोर्टर में नजर आए थे। हालांकि वह जिंदा है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। राज किरण को 10 साल पहले आखिरी बार न्यूयॉर्क शहर में टैक्सी चलाते हुए देखा गया था। कहा गया है कि राज किरण को उनके परिवार ने छोड़ दिया था, जिसके बाद वह पागलखाने पहुंच गए थे। ऋषि कपूर ने इस फिल्म में लीड रोल अदा किया था। फिल्म में ऋषि मोंटी के रूप में दोबारा जन्म लेते हैं। ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। दिग्गज अदाकारा सिमी ग्रेवाल का नाम सुनते ही फिल्म मेरा नाम जोकर की याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने बोल्ड सीन देकर फिल्मी दुनिया भर में पहचान बनाई। कर्ज फिल्म में सिमी ने रवि वर्मा की पत्नी कामिनी वर्मा का किरदार निभाया था, जो अपने पति की हत्या कर देती है। फिल्मों से दूरी बना चुकी सिमी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है। टीना मुनीम की जिंदगी टीना अंबानी बनने तक काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। अनिल अंबानी से शादी करने से पहले टीना ने हिंदी की दसियों फिल्मों में काम किया और एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। कर्ज फिल्म में टीना मुनीम ऋषि कपूर की प्रेमिका के रूप में नजर आई थी। टीना मुनीम को टीना अंबानी बने सालों गुजर चुके हैं। टीना के अंकल कबीरा का किरदार निभाया था। 1940 से लेकर 1990 तक सिनेमा जगत में खलनायकी का दूसरा नाम रहे प्राण कृष्ण सिकंद यानी कि प्राण अपने दमदार अभिनय के लिए आज भी याद किए जाते हैं। प्राण अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाते थे कि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी बुरा आदमी ही समझते थे। प्राण अब इस दुनिया में